हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, आज बताएंगे गूगल रैंक क्लास और बैकलिंक की एक सीक्रेट हिस्ट्री, जिसमें जो बिगिनर होते हैं उसको नहीं पता होता है। अब बहुत सारे आर्टिकल, पहले अगर आप ब्लॉगिंग में 6 महीने कर रहे हो या 1 साल से कर रहे हो, तो आप शायद बहुत सारे आर्टिकल आपकी वेबसाइट में है, जैसे आपने 20 आर्टिकल लिख चुके हैं या आप 50 आर्टिकल्स के ऊपर है, लेकिन आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं है। आप सोच रहे हो, मैं यूनिक कंटेंट पूरा लिखा अपने साइट में और मैंने एसईओ भी ठीक ठाक किया, इंटरनल लिंकिंग और आउटबाउंड लिंक वगैरह सब कुछ ठीक किया, बट मेरा वेबसाइट का एक भी पोस्ट रैंक क्यों नहीं कर रहा है। इसके पीछे एक सीक्रेट है, जो आप देखोगे आपसे भी बहुत ही कम, मतलब आप सोच रहे हो बहुत ही कम जो आर्टिकल्स, मतलब कॉम ऑर्ड का आर्टिकल्स गूगल में रैंक कर रहा है, क्योंकि उनकी वेबसाइट में मिलियंस के ऊपर बैक तो रैंकिंग और बैकलिंग में बहुत ही एक रिलेशन है जो शुरू से है। तो इसलिए आपके बारे में कुछ सीक्रेट चीज बताएंगे, तो बहुत ऐसे ब्लॉगर होगा आपके साथ शेयर। तो आपको मैं आज जो बताऊंगा, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप एक इसके बाद, इस वीडियो देखने के बाद, अगर आप कोई भी एक कीवर्ड को टारगेट करना, लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप काम करोगे, तो आपके 100% नहीं 500% बता रहा हूँ आपकी रैंकिंग हो। इसके पीछे कारण है, मैं बताऊंगा आपकी, थोड़ा बहुत पहले बता देता हूँ, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिना पैसा इन्वेस्ट का आपकी कुछ नहीं होने वाला। स्टार्ट करता हूँ और वीडियो पसंद आए लाइक या शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, मैंने स्क्रीन में एक आपके सामने एक लिस्ट निकाला, ये पीएमबी प्राइवेट ब्लॉग लिंकिंग बोलता है इसको। प्राइवेट ब्लॉग लिंकिंग ऐसे होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइवेट ब्लॉग लिंकिंग ऐसे होता है, इसमें जितने सारे ब्लॉग होता है प्राइवेट ब्लॉग होता है, एक कोई भी बंदे का ब्लॉग होता है। इसमें से कोई आर्टिकल्स के अंदर हम टेक्स्ट के ऊपर इंटरनल लिंकिंग करते हैं ना, तो अदर वेबसाइट का या अपना खुद का ब्लॉग पोस्ट का लिंकिंग करते हैं। लेकिन जिसकी वेबसाइट में DA 50 के ऊपर है, DA और बहुत पुराना वेबसाइट है, वो आपकी वेबसाइट में, आप किसी भी वेबसाइट में जाकर ऐसे लिंकिंग नहीं कर सकते हो। तो आप उस बंदे से ईमेल कर सकते हो बैकलिंक के लिए, या पैसा दे सकते हो। इस दो रीजन से आप मेल करके अगर वो बंदा आपको लिंक बैकलिंक प्रोवाइड कर देता तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो अगर आप उसको अगर मतलब पैसा देके करा रहे हो, मतलब कोई रिक्वेस्ट के ऊपर करा, मतलब पैसा देके, मान के चलो 90% केस में पैसा देके कर लेता है तो लिंकिंग दे सकता है। तो आपको जो चीज़ मैं शेयर करने वाला, वो चीज़ थोड़ा गौर से देखिएगा। तो फर्स्ट मैंने एक वेबसाइट निकाला, BNnetwork.net। इस वेबसाइट में मेरा जो बैकलिंक है, मैंने ये फ्री नहीं है, बिल्कुल पेड है, मैं आपको बता देता हूँ, इस पे बिल्कुल फ्री नहीं है। तो मैंने यहाँ जो बैकलिंक क्रिएट किया, जैसे इस वेबसाइट में, तो इस वेबसाइट एक वेबसाइट है, तो इसकी मैं आपको DAPA चेक करा देता हूँ। इसको जो DAPA है, आप नॉर्मली इसमें चेक करना। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मेरा वेबसाइट का जो पहले एक सिस्टम हो रहा था, जैसे आपने अपने गूगल में क्या करना, जैसे ब्लॉगर सॉल्यूशन ऐसे डालते हो कोई वेबसाइट का नाम, तो जैसे मैंने अपना वेबसाइट का ब्लॉगर सॉल्यूशन डालता हूँ, तो देखो इसमें कुछ चेंजेस हुआ है, ये बैकलिंक का पावर की वजह से हुआ, ये बिना बैकलिंक का ऐसा कुछ नहीं होता। देखो फर्स्ट में मेरा नाम आया ब्लॉगर सॉल्यूशन, यहाँ मेरा वेबसाइट शो नहीं कर रहा है। आप यहाँ देखोगे बहुत सारे वेबसाइट का, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो solutionblogger.com, इसमें क्या हो रहा है, आपकी ब्लॉगर ब्लॉग, इसमें नेम नहीं शो हो रहा है, URL शो हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं होता, ये इसमें क्या होता है, बहुत सारे बैकलिंक और SEO करने के बाद, ये SEO रिलेटेड काम है। आप अगर रैंक मैथ प्लगइन यूज कर रहे हो तो उसमें आप सारे ठीक ठाक से करोगे और बैकलिंक सही से होगा तो जाके आपकी गूगल आपकी चीज को करेगा, नहीं तो नहीं करता है। आपकी ऐसे आप वेबसाइट कितने भी साल हो जाए, 2 साल हो जाए, आपको चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस वेबसाइट का मैं डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ऐसे मैं आपको 10 वेबसाइट बताऊंगा, पहले मैं इसको डोमेन और पेज अथॉरिटी, देखो इस पे 50 ऑन है डोमेन अथॉरिटी और 52 पेज अथॉरिटी, 2000 बैकलिंग, मतलब बहुत ही कम बैकलिंग है, और इसमें 4 साल पुराना वेबसाइट है। तो इस साइट से मेरे को बैकलिंग कैसे मिला, मैं फर्स्ट इसकी कोई भी एक नेटवर्क, देखो जितने सारे मैं बनाया आपको मैं रियल में दिखा देता हूँ इसमें एक्चुअली हुआ क्या। तो मैं ये बैकलिंक कैसे बनाया, ये चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और ये चीज़ जब तक मैं शेयर नहीं करूँगा, देखो ये है, तो इसमें शॉर्ट कैप्शन फॉर इंस्टाग्राम, ये जो बैकलिंक है मेरा बैकलिंक है, तो ये मैंने पैसा देके बनाया। इस वेबसाइट का भी बहुत हाई DAPA है, इसको मैंने अगर लिंक टू कॉपी करूँ, देखो मेरा वेबसाइट में ओपन हो जाएगा। ये मेरा कौन सी वेबसाइट, मैं आपको बताया तो ये एक मोबाइल कंपेरिजन वेबसाइट है, इसमें ब्लॉग भी लिखना पड़ता है। इसमें 50 व्यूज आ चुका है, ज़्यादा दिन 29 फरवरी करके, ये शॉर्ट कैप्शन का मैंने एक
लिखा था, मैंने पोस्ट लिखा था, इसमें क्या होता है बंदा एंगेज रहता है आपकी वेबसाइट में। अगर मान के चलो मोबाइल कंपनी जन आपकी वेबसाइट है, बट उसमें क्या है अगर आपने कोई मतलब पोस्ट भी डालते हो तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कोई भी मोबाइल जैसे लॉन्च हुआ, उसकी परचेज हुआ, 6 महीना हो गया, फिर वो खत्म हो जाता है। तो अगर आप ब्लॉग पोस्ट उसमें भी लिखोगे तो उस साइट का एंगेजमेंट ठीक रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। मैं दूसरा साइट आपको दिखा देता हूँ, वर्स्ट आपको कोई भी एक साइट, मैं सेकेंड साइट, फर्स्ट साइट सब दिखा देता हूँ, इसमें 10 वेबसाइट है। तो ये बैकलिंक मेरे को कैसे बनाया मैंने, इसके बारे में आप लोगों से बात शेयर करेंगे। तो चलो फिर सेकेंड चलते हैं। मैं सेकेंड वेबसाइट में ओपन किया, इसकी DAP भी बहुत हाई है, जितने सारे वेबसाइट है देखो, ये जो वेबसाइट है सिमोन्स एंड स्टिंग ऐसा वेबसाइट है, ये बहुत ही मतलब पुराना वेबसाइट है, इसकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी बहुत हाई है। इसमें भी देखो शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट कैप्शन फॉर इंस्टाग्राम गर्ल, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये सारे पेड है दोस्तों, फ्री में आपको हाई, देखो इसमें ये भी पेड है, तो इसमें गूगल एडसेंस का एड भी शायद आपको शो हो जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो खाली स्पेस दिख रहे हैं ये गूगल एडसेंस के लिए दिखा रहा है, आपको दिखा देंगे। तो ये सारे जो बैकलिंक क्रिएट किया ये PNB मतलब प्राइवेट ब्लॉग से किया। ठीक है, तो ये बैकलिंक आपको कैसे बनाना है आपको पहले बता देता हूँ। तो ये जिसको गौर से सुनना, जैसे मैंने यहाँ 10 प्राइवेट ब्लॉग है, उसके बाद मेरे पास जितने सारे लिस्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ, मेरे पास परचेस है, जैसे मैंने परचेस डूफॉल बैकलिंक है, PNB गेस्ट पोस्ट बैकलिंक है, गेस्ट पोस्ट जो बैकलिंक है, ये जो सारे गेस्ट पोस्ट वेबसाइट है ये टोटल है मेरे पास 110 के आसपास। ये सारे से आप सीधा लॉगिन कर सकते हो, इसमें लॉगिन करने के बाद आप इसमें से गेस्ट पोस्ट सारे डू फॉलो बैकलिंक आपको मिलेगा। ऐसे नहीं, इसमें बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये सब परचेज है, मैं ब्रो बता रहा हूँ, ये एक भी चीज़ फ्री नहीं है। आपको अगर मैं प्रोवाइड करूँ कर दूंगा फ्री में मेरे वेबसाइट में, आप और 20 डेज वेट करो, मतलब 20 दिन और वेट करो, उसके बाद सारी चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा धीरे धीरे। तो ये जो PNB बैकलिंक मैं जिसके बारे में बता रहा था, मैं कहाँ चला गया, तो ये है देखो इसमें, सो फ्रेंड इसमें आप एड भी देख रहे हो, देखो इसमें एड भी चल रहे हैं, मतलब ये मोबाइल कंपैरिजन वेबसाइट है बट इसमें एडसेंस अवेलेबल है। तो इसमें से दो टाइप के इनकम होता है, एक एडसेंस से, एक आपको अमेजोन जिसमें आप कमीशन कमाते हो। तो मैं आपकी अमेजोन अकाउंट अभी नहीं दिखाऊंगा, तो वो छोड़िए, मैं जिस रीजन से आपको बात कर रहा हूँ, ये सारे बैकलिंक आप कहाँ से बना सकते हो दोस्तों, आपने कोई भी एक कीवर्ड को टारगेट करना, जैसे आप SEMrush ओपन करते हो ना, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, SEMrush ओपन करके आप कोई भी कीवर्ड जब फाइंड करते हो तो उसमें बैकलिंक का जो लिमिट है वो आपको कहाँ से लेना है। देखो आप बैकलिंक खुद से बनाओगे, बैकलिंक अगर आप खुद से बनाओगे तो आप इंडेक्स नहीं कर, इंडेक्स करते करते जो टाइम है, ट्रेंडिंग टाइम है, वो निकल जाता है। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ बैकलिंक कहाँ से बनाना है। जैसे मान को मैं आपको SEMrush ओपन करता हूँ और इसमें से सारे क्लियरिटी, तो फ्रेंड मैं SEMrush टूल में आ गया, मैं इसमें एक ही SEO टाइप करता हूँ, मैं एक सिंगल कीवर्ड को टाइप करेंगे, एक सिंगल कीवर्ड को US में टारगेट करेंगे, इसमें से मेरे को लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड करना है और चेक करना है, अगर मैं आर्टिकल्स लिखूं तो मेरे कंपिटिटर्स के हिसाब से मैं उसको मतलब कुछ कर पाऊँ या नहीं, मतलब टॉप 10 में ला पाऊँ कि नहीं ला पाऊँ। अगर आप किसी भी निश पे हो, अगर आप कोई भी कीवर्ड पे काम, देखो चाइना SEO एक जाइलोइन करके कुछ है, तो इसमें मैं करता हूँ क्लिक, इस जो इसमें जो कीवर्ड है, इसमें इस कीवर्ड है ट्रेंडिंग कीवर्ड था, कुछ कीवर्ड होता है ट्रेंडिंग आता है, कोई जैसे मोबाइल लॉन्च होता है ना तो ये आता है और निकल जाता है, तो इसमें 60,000 था, मैं इस कीवर्ड के ऊपर एक बार देखता हूँ। देखो इसके लिंक्डइन एक वेबसाइट है जिसमें देखो जियो बैकलिंक में ये इंडेक्स मतलब फर्स्ट पेज में कर लिया, उसका लिंक्डइन है, ओरिजिनल न्यूज ब्रेक है, व्हाट्स माइंड है, देखो टॉप 10 पेज ट्विटर दिखा रहा है, सारे देखो कैसे कैसे वेबसाइट दिखा रहा है। तो इसमें मैं भी काम किया था बट मेरा रैंक नहीं किया, क्योंकि नहीं किया उसके पीछे रीजन आपको बताता हूँ। तो ये सारे देखो जीरो बैकलिंक में आपकी काम, ये 38 मीडियम जो वेबसाइट है 38 बैकलिंक बनाया, उसके बाद आपकी इस कीवर्ड के मैं एक काम करता हूँ, इस कीवर्ड को मैं एक बार गूगल में सर्च करता हूँ, तो मैं गूगल में जैसे सर्च करूँ, मैं ट्रेंडिंग बता रहा हूँ आपको, जैसे गूगल में मैं सर्च करता हूँ इतना, इसमें देखो सर, तो फर्स्ट में लिंक्डइन आया, टॉप 10 तक दिखाता हूँ मैं, ये है इसमें मीडियम पे पोस्ट आया, मैंने अभी जो भी आपको दिखाया, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कौन सा सारे, देखो इसमें जितने सारे वेबसाइट आया कितने सारे, इसमें मेरा पोस्ट नहीं है, मैं अभी इसमें काम किया था बट मैं बैकलिंक इंडेक्स नहीं कर पाया।
तो इसके पीछे जो रीजन है, इंडेक्स कैसे करना है और बैकलिंग, सारे बैकलिंग आपको पेड बैकलिंग, देखो कोई भी जैसे कीवर्ड है, मैं कोई भी कीवर्ड है, मेरे बात अगर आपको समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कमेंट जरूर करना और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्लियरिटी के साथ बताएंगे, शायद इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाए। तो मैं एसईओ की एक बार एक काम करते, मैं इसको थोड़ा बैक जाता हूँ और बैक जाके आपको दिखा रहा हूँ जो इसमें एक्चुअली अगर मैं लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड फाइंड करूँ तो उसमें जैसे यहाँ 100% मैं यहाँ कीवर्ड जाता हूँ, एसईओ कीवर्ड पे जाता हूँ। कीवर्ड में जाके मैं इसे एक मतलब एक टूल्स का यूज़ करूँगा, इसमें जो एडवांस टूल होता है उसमें मेरे को लो कंपटीशन कीवर्ड को फाइंड करना है। लो कंपटीशन कीवर्ड जैसे हम फाइंड करेंगे उसमें दो चीज़ हमको करना है, एक तो कितना कंटेंट है और आपकी वेबसाइट का कितने आपके डीएपी है। देखो अगर न्यू वेबसाइट है तो मैं फर्स्ट 10 वेबसाइट का डीएपी लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बैकलिंक कैसे क्रिएट करना, सारे पीएनबी बैकलिंक आपको डू फॉलो बैकलिंक चाहिए, स्टैंड मिल जाएगा लेकिन आपको थोड़ा बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा बहुत पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो मेरे को यहाँ मैं एक कीवर्ड डिफिकल्ट हूँ, मैं कीवर्ड डिफिकल्टी में वेरी इजी लगाऊंगा, क्यों वेरी इजी, क्यों इस जो टूल्स का फिल्टर मैं यूज़ करूंगा, क्यों मेरा वेबसाइट बिल्कुल नया है तो मेरे को फर्स्ट ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक नहीं होगा तो आपकी थोड़ा बहुत भी गूगल एडसेंस में अर्निंग जो है बिल्कुल जीरो दिखाएगा तो आपको दिल टूट सकता है। तो इसलिए मैं एक काम करूँ फिल्टर में क्या वेरी इजी लगाया, तो इसमें देखो फर्स्ट में 8100 है, तो इसमें देखो गूगल एसईओ अपडेट जैकिन, ये पता नहीं कोई कोई भी कीवर्ड है। मैं एक काम करता हूँ सबसे इजी जैकबॉन बॉको रोशन एसईओ कंपनी, एक कंपनी है तो इसमें सबसे लो कंपटीशन वाला देखो सारे ग्रीन दिखा रहा है, 6-2 एजेंसी गूगल एसईओ रिचेबल फ्लाइट ग्लोब एसईओ ओके। मैं और भी डीपली जाता हूँ ब्लू रॉकेट एसईओ, इसमें एक बार देखते हैं ब्लू रॉकेट एसईओ एक कोई मतलब कंपनी का टेक्निकल एसईओ कंसल्टेंट, तो मैं एक काम करते हैं तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ। तो ऐसे कीवर्ड मैंने ले लिया, अभी मैं इसके ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा, उसके पहले मेरे को जो चीज़ दिखना है उसको आपको एक बार फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसमें CPC $16 है, 500 बोलूँ US से आया है ओके। मैं देखो इसमें जो फर्स्ट वेबसाइट है ये जिस कीवर्ड से मैंने बताया उस वेबसाइट का डोमेन है, इसमें तो पेज इतना है, डोमेन रेटिंग रेफरेंट डोमेन कितना 22 और इसमें 140 बैकलिंक बनाया, ये देखो 140। तो अगर मान के चलो इस कीवर्ड पे आपको काम करना है तो आपको 40 बैकलिंक बनाना है। अभी मेन टॉपिक है, मैं बैकलिंक तो आपको बता दूंगा कहाँ से बनाना है, तो 140 बैकलिंक में मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ इस 140 बैकलिंक एक्चुअली कहाँ से बनाया। तो मैं बैकलिंक एनालिस्टिक पे जाऊँगा और मैं चेक करूंगा इसमें 140 बंदे ने कहां से बैकलिंक क्रिएट। तो बंदे ने क्या किया, बंदे ने 92% डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट किया, ठीक है, टोटल 22 रेफरेंट डोमेन और आईपीएस 22 सेम टू सेम। अभी देखते हैं ये सारे बैकलिंक क्रिएट किया कहां से, देखो सेम वेबसाइट पे बहुत सारे 140 बैकलिंक क्रिएट किया, तो इसमें 140 बैकलिंक अगर क्रिएट किया तो इसमें डू फॉलो कितना है, इतना नो फॉलो है। तो नो फॉलो आप तो बुकमार्किंग वेबसाइट जैसे सोशल मीडिया से बना लोगे, पता है गूगल इंडेक्स नहीं करता बट इसका एक वैल्यू होता है, आप नो फॉलो कैसे भी बना सकते हो बट आपको डू फॉलो नो फॉलो मिला के बनाना है, एकदम पूरा डू फॉलो नहीं बनाना है। तो 140 है, तो अभी एक काम करते हैं मैं इस पोस्ट को एक बार ओपन करता हूँ। ये बंदे ने जो भी कॉन्सल्टेंट बनाया, जो भी एक ब्लॉग बनाया, ये देखो एक टेक्निकल ऐसे कॉन्टेंट, ये जो आर्टिकल्स इन्होंने लिखा कितना छोटा आर्टिकल्स है, इतना सा खत्म है। तो इसके ऊपर आपको जो दिख रहे हैं, ये जो आपकी ब्लॉग पोस्ट दिख रहे हैं, अभी बैकलिंक का मेन, आप बोलोगे मैं इतना तो लिख ही लूंगा, इतना तो इजी है दोस्तों, ये तो लिखना बहुत इजी है, मैं AI टूल का इस्तेमाल करूंगा, खुद से पढ़ूंगा लिखूंगा लिख लूंगा, मेरा वेबसाइट रन स्पीड फेस्ट है सब कुछ, लेकिन बैकलिंक कहाँ से बना हुआ है ये तो बात है। अभी चलते मेन बात के, तो मैं गूगल में सर्च करूंगा सबसे चीफ बैकलिंक एसईओ, इसके पहले मैंने एसईओ क्लर्क करके एक वेबसाइट है, देखो इस एसईओ क्लर्क करके एक वेबसाइट है जिसको CL Clark होता है, इसमें मेरे को बैकलिंग बनाना है तो मैं $5 के अंदर बैकलिंग क्रिएट करूंगा। तो $5 में मेरे को कितना बैकलिंग डू फॉलो मिलता है एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ मैंने को सिलेक्ट करना है, मेरे को $5 सिलेक्ट करना है, मैं इस पर $1 सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं ग्रांटी ओनली में क्लिक करूंगा और लेवल मेरे को देना है प्रो, ठीक है लेवल 1 दे देता हूँ मैं, जो लेवल 1 का बंदा क्यों अच्छा काम करेगा उस पर मैं इसमें जो एनी दे देता हूँ और ट्रेंडिंग टुडे इसमें पेपाल क्रेडिट सब कुछ ठीक है। अभी देखो मेरे सामने मैनुअल 50 फॉरम वेबसाइट डू फॉलो बैकलिंक $5 में दे रहा है, इसमें GST नहीं देना पड़ता, मैं एक चीज़ फॉलो किया था, इसमें डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। तो इसका लेवल 1 देखो इसकी 100% ओके
भाई बैकलिंक बनाया, उसके बाद मैं काम करता हूँ, एक काम करता लेवल ऑन को मैं अनचेक कर देता हूँ, उसमें क्या होगा मेरे को और भी अच्छा बंदा मिल जाएगा। उसके बाद देखो 8 यूनिक पीआर डूफल बैकलिंग है, तो मेरे को बैकलिंक बनाना है कितना आपको $1 में क्या दे रहा है, 80 RF यूजिंग PNB बैकलिंक दे रहा है, $1 में आपको बैकलिंक कहा कितना मिलेगा 80, और इसके साथ इस साइट का लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद देखो 12 PNB बैकलिंग है $3 में, इसमें 100 देखो $1 में 100 बैकलिंक दे रहा है, $1 आप पेमेंट तो कर सकते हो, तो इजी है दोस्तों, ये बहुत ही सस्ता होता है आपकी बैकलिंग है। तो आपको जस्ट कीवर्ड देना पड़ता है, और आपको क्या देना पड़ता है इसमें देखो, रिव्यू में आपको जाता हूँ, इस बंदे का मैं रिव्यू पढ़ लेता हूँ, तो आपको शायद भरोसा नहीं होगा, तो इसमें $1 आपको देने में ऐसे कुछ नहीं है। तो इसमें रिव्यू में हम चलते हैं, जो आपके जो जो बंदा इसमें कर, देखो पूरा अंगूठा मतलब लाइक किया, थैंक यू अवरेज, थैंक यू वेलकम टू फॉरवर्ड नेक्स्ट, देखो थैंक यू ऑर्डर सारे इंडेक्स कर देता है। तो आपको चिप में अगर आपने कीवर्ड भी सिलेक्ट कर लिया, अपनी ब्लॉग साइट बना लिया और आपने ब्लॉग पोस्ट लिख लिया, बट आपकी बैकलिंक का टेंशन है, आप सस्ता में यहाँ से सीधा बैकलिंक बना लो और ये इंडेक्स कर देगा, आपको तुरंत इंडेक्स हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ गारंटी से आपको रैंकिंग होगा। देखो बहुत सारे वेबसाइट मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्यों, हैकिंग का एक होता है, मेरे साथ हुआ है, मैं आपको अर्निंग नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपकी मैं एक ही साइट को हमेशा शेयर करता हूँ, ब्लॉगर सॉल्यूशन। आप 20 डेज बाद उस साइट का DAPA डोमेन अथॉरिटी सारे चेक कर लेना, मैं सारे कुछ काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। दोस्तों यही था मेरा वीडियो, जो आपकी सबसे प्रीमियम टिप्स है जो कोई नहीं शेयर करेगा, ठीक है। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक में बनाते हो तो वेरी गुड है, अगर ट्रेंडिंग में इवेंट ब्लॉगिंग जिसको बोलते हैं सबसे बेस्ट काम करता है ये इवेंट ब्लॉगिंग में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना तो इंस्टाग्राम में कमेंट करना, इस वीडियो को कमेंट करना, वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर देना।